छतरपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी महिला सीट को आरक्षित किया गया है, लेकिन अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर भटक रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शपथ पत्र को ही मान्य किया गया, लेकिन नगर निकाय चुनाव में शासन द्वारा गाइडलाइन जारी करके जाति प्रमाण पत्र को ही मान्य किए जाने की बात कही है। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखन लाल पटेल और युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जिन अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है उनको नियम अनुसार जल्द से जल्द अंतिम तारीख से पहले जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग की है। साथ में निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह चौहान ने कहा है कि जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जिससे कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर अभ्यर्थियों को भटकना न पड़े और वह अपना फॉर्म भर कर। तो वहीं अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश एवं अन्य देशों का मान्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों का ही केवल मान्य होगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव में जाति प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र के साथ नामांकन फॉर्म जमा कराए गए, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र मांगा जाना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से शीघ्र ही जाति प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। जाति प्रमाण संबंधी मामला है कि जाति प्रमाण पत्र के संबंध में पहले स्पष्ट निर्देश नहीं आए। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय ने हमको मौखिक रूप से बताया था कि अगर जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है तो शपथ पत्र पर ही हम मान लेंगे, क्योंकि पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में उन्होंने शपथ पत्र का जाति प्रमाण पत्र मान लिया। तो इस तरह से जनता और लोग बाग भ्रमित हैं, जो अब अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं तो वो भ्रमित हैं। तो आज हम लोगों ने इस चीज़ का ज्ञापन दिया है कि श्रीमान स्पष्ट निर्देश दिए जाएं, और अगर सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य है तो आप जिले के समस्त सक्षम अधिकारियों को तत्काल निर्देशित करें कि 18 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है, उसके पहले जिनको नामांकन करना है और जो आवेदन करते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो 18 तारीख के पहले ही जाति प्रमाण पत्र उनको जारी कर दिया जाए, ताकि सभी लोग चुनाव लड़ सकें, किसी का आवेदन निरस्त ना हो और कोई चुनाव से वंचित ना हो सके। आपको क्या लगता है कि पहले उनने शपथ पत्र पर ही मान्य किया और अब नगरीय निकाय चुनाव आते ही ये जो है सक्षम अधिकारी का मांग रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है, कोई राजनीति हो रही है क्या? बिल्कुल राजनीति हो रही है, नहीं तो स्पष्ट ये पहले ही दिशा निर्देश आ जाना चाहिए, ताकि लोगों को समय मिलता आवेदन और अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेता। अब इसमें बिल्कुल साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती कुछ है, कहती कुछ है, ये लोगों को भ्रमित कर रही, ताकि लोग बात इनका आवेदन न कर पाए और जनता चुनाव लड़ न पाए, लोग बात तो जनता चुनाव से भी दूर रहे। ऐसी स्थिति में क्या कदम होगा अगला? देखिए, कदम तो ये है कि जनता अब जाग चुकी है और जनता जान चुकी है कि ये छल कपट से चुनाव जीतना चाहते हैं, ताकि हमारे विरोधी खड़े ना हो पाए, उनके फार्म निरस्त किए जाएं। जनता जाग चुकी है और 2023 में अगर ऐसा होता है तो 2023 में जनता इनको सबक सिखाएगी और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत दे करके माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।